हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हमारे चल रहा है एडोब प्रीमियर प्रो। एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं क्लिप मेन्यू के बारे में। क्लिप मेन्यू के अंदर जो मैक सब क्लिक क्लिप और एडिट सब क्लिप का ऑप्शन है, इसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो ये सब क्लिप क्या है, किस तरह से हम सब क्लिप बना सकते हैं और किस तरह से हमारे लिए सब क्लिप यूजफुल है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल किसी जरिए बता देता हूँ कि सब क्लिप हम किस तरह से यूज़ में लेंगे, बाकी हम आगे बात करने वाले हैं। तो मेरे पास में एक क्लिप है, ये जू की क्लिप है। डबल क्लिक जैसे ही मैं इसके ऊपर करूँगा तो ये यहाँ पर सोर्स पैनल के अंदर इस तरह से ओपन हो गई है। और मुझे क्या करना है, इस क्लिप में से कुछ एक पार्ट यहाँ पर जैसे मार्क इन किया और यहाँ पर मार्क आउट किया, कुछ पार्ट मैंने यहाँ पर मार्किंग आउट किया और ये यहाँ पर मैं लेकर के आ गया इस तरह से। तो ये छोटा सा पार्ट मैं इस वीडियो का यहाँ पर लेके आया हूँ, लेकिन ये टोटल वीडियो का ड्यूरेशन यहाँ पर कितना है आप देख सकते हैं। यहाँ पर वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो है 1 मिनट और 46 सेकेंड। टोटल इतने टाइम का ये वीडियो है, 1 मिनट और 46 सेकेंड का ये वीडियो है। इसके अंदर मेरे कई सारे यहाँ पर पार्ट है, जैसे कि ये भालू का है तो ये पेड़ के ऊपर खड़ा है, पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है, एक दूसरा भालू आता है एक दूसरी साइड में पेड़ के ऊपर खड़ा है, एक नीचे उतर रहा है। तो कम से कम एक ही वीडियो मैंने स्टार्ट किया अपना मोबाइल इस तरह से, और स्टार्ट करने के बाद में मैंने क्या किया इस तरह से एक बार में ही खूब सारा इसके अंदर रिकॉर्ड कर लिया 1 मिनट 46 सेकेंड का। तो कंटिन्यू रिकॉर्डिंग की है, लेकिन उसके अंदर 4-5 अलग अलग सीन है। ऐसा कई बार होता है जब हम खूब सारे रिकॉर्डिंग एक बार एक साथ ही हम कर लेते हैं और उसके सीन अलग अलग हमें करने रहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं फिर मार्क इन और आउट करने के बाद में इस तरह से हम लेकर के आते हैं। अब ये एक सीन मैं यहाँ पर लेके आ गया, फिर इसी तरह से मुझे मान लीजिए उतरने का है तो मार्क इन और इस तरह से मार्क आउट करने के बाद में नीचे उतर गया, यहाँ पर ये लेकर के आ रहा हूँ। तो जो सब क्लिप है वो इस चीज़ को आसान बना देता है, और मान लीजिए बाद में आपको उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करना रहता है वो आपके लिए फिर ज़्यादा आसान रहता है सब क्लिप बनाने से। और ये जो इन आउट पॉइंट है, मान लीजिए आपने यहाँ से डिलीट कर दिया तो फिर वापस से आपको इन और आउट पॉइंट वहीं से लेकर के आने पड़ेगी, अगर सब क्लिप बनाए तो उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए सब क्लिप कैसे बनाते हैं। ये जो दूसरा मैंने यहाँ पर फुटेज लिया है नीचे उतरने का, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने मार्क इन और मार्क आउट किया यही पार्ट, राइट क्लिक करूँगा या फिर क्लिप के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर मैक सब क्लिप इसके ऊपर क्लिक करूंगा। कंट्रोल यू इसका शॉर्टकट है, आप कंट्रोल यू दबाएंगे तो भी सब क्लिप बनाने का ऑप्शन आपके सामने इस तरह से आएगा। सब क्लिप बनाने के लिए आपके सामने यहाँ पर एक तो नाम आपको देना होगा सब क्लिप का, तो मैं दे देता हूँ क्लिप 01। और नीचे जो ऑप्शन है, नाम आप अपनी जैसे कोई भी दे सकते हैं सीरियल वाइज या फिर इस तरह से मान लीजिए अलग अलग कोई कैटेगरी बना करके। नाम देने के बाद में जो नीचे ऑप्शन है रेस्ट्रिक्ट ट्रिम्स टू सब क्लिप बाउंड्रीज, अगर आप इसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो क्या होगा बाद में सब क्लिप की जो बाउंड्री होगी इन और आउट वाली उसको आप बाहर की साइड में नहीं लेके जा सकते, यानी उसका ड्यूरेशन बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते हैं। इन आउट पॉइंट को अंदर की साइड में आप लेके आ सकते हैं लेकिन बाहर की साइड में नहीं लेकर के जा सकते। तो ये आप ऑन करेंगे तब, ऑफ करेंगे तो आप लेकर के जा सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ सब क्लिप 1 यहाँ पर, और इसको बिना एक्टिव किए हुए बिना इसको ऑन किए हुए यहाँ पर ओके कर रहा हूँ। और देखिए सब क्लिप जो यहाँ पर बन गई है प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिप 1 नाम से जो हमने सब क्लिप बनाई है उसका यहाँ पर जो आइकन है वो थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है सब क्लिप का। और इसी तरह से अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर क्लिप 1 के बाद में क्लिप 2 से सब क्लिप बना रहा हूँ। देखिए किस तरह से मैं बनाऊंगा, यहाँ पर पॉइंट इन और फिर आउट इन, ये आउट पॉइंट यहाँ पर इन और आउट दोनों बनाए। अब यहाँ पर इसको सब क्लिप बनाऊंगा, क्लिप के अंदर जाएंगे मैक सब क्लिप और नाम दे देते हैं क्लिप 02। और इस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, पिछली बार मैंने रेस्ट्रिक्ट नहीं किया था, ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दो क्लिप हो गई हमारे पास में क्लिप 1 और क्लिप 2। दूसरी जो क्लिप है और पहली जो सब क्लिप है इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में मैं इसको टाइमलाइन के ऊपर यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ। ऑडियो मैं इसका यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए इनके अंदर क्या डिफरेंस है,
जो आप दूसरी वाली क्लिप देख रहे हैं 02 जिसके अंदर हमने रेस्ट्रिक्ट किया था, उसके यहाँ पर आपको छोटे छोटे आइकन्स नज़र आ रहे हैं जो कि यहाँ पर बाहर की साइड में आप अगर इसको लेकर के आएंगे रेस्ट्रिक्ट करेगा, यानी आप इसकी बाउंड्री बढ़ा नहीं सकते। जैसे कि मैंने बताया था आप रेस्ट्रिक्ट का अगर ऑप्शन ऑन करेंगे तो इसको आप बढ़ा नहीं सकते बाहर की साइड में, लेकिन अंदर की साइड में आप बाद में चाहें तो कम कर सकते हैं। और इसी तरह से जो यहाँ पर हमने दूसरी क्लिप जिसके अंदर रेस्ट्रिक्ट का ऑप्शन ऑन नहीं किया था उसके अंदर आप बाहर की साइड में बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर सही या गलत नहीं है कि कौन सा आप यूज़ में लेना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। आपको ऐसे लगे कि मुझे बाद में बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है तो उसको आप रेस्ट्रिक्ट ना करें, अदरवाइज आप सोचें कि नहीं इतना ही चाहिए तो आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप बढ़ा सकते हैं, इसके अंदर नहीं बढ़ा सकते। अब क्या है एडिट सब क्लिप क्या है, मान लीजिए इस क्लिप टू को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये क्लिप टू मैंने प्रोजेक्ट पैनल के अंदर से सिलेक्ट की और क्लिप के अंदर जाएंगे और एडिट सब क्लिप के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एडिट सब क्लिप के अंदर ऑप्शंस हैं, एक मास्टर क्लिप, ये जो मास्टर क्लिप थी ये जू नाम लिखा हुआ है जिससे हमने इनको अलग अलग सब क्लिप बनाई थी, ये तो मास्टर क्लिप है, और जो हमने दो क्लिप वन और क्लिप टू ये सब क्लिप बनाई थी। तो यहाँ पर जो मास्टर क्लिप है उसका ड्यूरेशन बता रखा है 1 मिनट और 46 सेकंड 21 फ्रेम। सब क्लिप का जो ड्यूरेशन है स्टार्ट ये होती है 45 सेकंड से और 56 सेकंड 56 फ्रेम के ऊपर यहाँ पर एंड हो रही है, और स्टार्ट शिफ्ट का अभी 0-0 है क्योंकि हमने इधर उधर शिफ्ट नहीं किया है। ड्यूरेशन इसका टोटल 10 सेकंड और 54 फ्रेम है। अब देखिए इसके अंदर आप एंड और स्टार्ट अगर कम या ज़्यादा करेंगे तो ये आप जो कम ज़्यादा कर रहे हैं तो जैसे शिफ्ट होगा बढ़ेगा तो प्लस शिफ्ट के अंदर प्लस 1 सेकंड और 35 फ्रेम यहाँ पर बढ़ गया। इसी तरह से स्टार्टिंग का आप कम ज़्यादा यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से बाद में भी रेस्ट्रिक्शन को डिसेबल कर सकते हैं और उसके बाद में हम ओके करते हैं। तो सब क्लिप जो 02 है उसके अंदर हम वर्क कर रहे थे तो ये थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, टोटल इसका ड्यूरेशन यहाँ पर चेंज हो जाएगा और 12 सेकंड और 44 फ्रेम का है और वहीं तक ये रहेगी। अगर इस क्लिप को यानी कि 01 को आप यहाँ से एडिट करेंगे और इसके अंदर भी आप यहाँ से एंड और स्टार्ट पॉइंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर कन्वर्ट टू मास्टर क्लिप का ऑप्शन है, कन्वर्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे कन्वर्ट करेंगे ओके तो ये जो सब क्लिप है वो मास्टर क्लिप के अंदर कन्वर्ट हो गई है और इसके अंदर फिर इन आउट पॉइंट जो है वैसे वर्क करेंगे और ये अब मास्टर क्लिप है। तो आप किसी भी मास्टर क्लिप सब क्लिप को बाद में मास्टर क्लिप के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सब क्लिप्स को यहाँ पर बना सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं। ये बहुत ही काम की है अगर आपने कंटिन्यू अगर वीडियो शूट किया है बनाया है और उसको बाद में टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग काम में लेना चाहते हैं। अब देख लीजिए मेरा जो वीडियो अभी बन रहा है वो कंटिन्यू बन रहा है, लेकिन मैं उसके अंदर से बाद में अनवांटेड पार्ट जो होता है या फिर जिसके अंदर मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए या स्टार्ट करता हूँ तो वो जो पार्ट होते हैं सारे के सारे वो मैं कट करने के बाद में फिर जो वीडियो है आपको अपलोड करता हूँ देखने के लिए जो आपको मिल रहा है। इसी तरह से मैं ही क्यों जो न्यूज़ चैनल आप देखते हैं उनके अंदर जैसे कोई स्पेशल रिपोर्ट वगैरह न्यूज़ चैनल के ऊपर आती है उसके अंदर आपने देखा होगा कि एंकर जो होता है वो एक बार कंटिन्यू रिकॉर्ड कर लेता है और उसके बाद में हम जब देखते हैं तो हमारे सामने एक बार एंकर आता है थोड़ी सी न्यूज़ बोलता है और उसके बाद में कहता है कि आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तो जब वो कहता है आइए देखते हैं ये रिपोर्ट वहाँ से कट होने के बाद में वो रिपोर्ट का जो वीडियो होता है वो उसके अंदर आगे सेट कर दिया जाता है उसका पार्ट और उसके बाद में वापस से एंकर वहीं पर एक साथ रिकॉर्डिंग करता है, वो पार्ट हमें दिखाया जाता है देखने के लिए, एंकर वहीं पर रिकॉर्डिंग एक साथ कंटिन्यू जारी रखता है और वो कहता है तो आपने ये देखा और उसके बाद में वो वापस क्या करता है कुछ बोलने के बाद में कहता है चलिए आपको बताते हैं इसके ऊपर दूसरी रिपोर्ट। तो वो वहाँ पर भी इस तरह से खुद की जो एंकर की प्रेजेंटेशन होता है उसकी रिकॉर्डिंग एक साथ हो जाती है और उसके अंदर एडिट के अंदर क्या करते हैं बीच बीच में वो पार्ट ऐड कर देते हैं। मैं भी ऐसे ही करता हूँ कुछ वीडियोज़ के अंदर, सभी के अंदर नहीं, अभी आज जैसे एडिट एक साथ कर रहा हूँ यहाँ पर इधर पीसी के ऊपर एडिट भी कर रहा हूँ और आपके सामने इस तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लेकिन कई बार मैं क्या करता हूँ यहाँ पर रिकॉर्डिंग पहले से कर लेता हूँ और उसके बाद में क्या करता हूँ आगे पीछे या बीच में मुझे जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर मैं क्या करता हूँ अपना प्रेजेंटेशन एक तरह से जो मैं बोलता हूँ वो मैं बीच बीच में ऐड कर देता हूँ आगे पीछे का। तो इस तरह से वीडियो एडिटिंग के लिए हम जब काम में लेते हैं इन और आउट पॉइंट्स को यानी कि बीच बीच में से कोई भी पार्ट्स को तो वहाँ पर ये सब क्लिप बहुत ही काम की है,
उसके अंदर हम छोटे छोटे पार्ट्स अलग से बना करके उनके सब क्लिप बना सकते हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है, आप और भी दूसरी जगह पर इनको यूज में ले सकते हैं। आप सब क्लिप टाइमलाइन से ड्रैग करके भी बना सकते हैं। जैसे कि कोई भी क्लिप आपने यूज में ले रखी हो, इसके अंदर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और मान लीजिए इन और आउट पॉइंट मुझे यहाँ पर करना है, इन पॉइंट आउट पॉइंट इस तरह से करना है, फिर मैं ये वीडियो टाइमलाइन के ऊपर के लेके आया। और मान लीजिए बाद में मुझे इस वीडियो से सब क्लिप बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ में यहाँ पर प्रोजेक्ट पैनल के ऊपर ड्रैग करूँगा। जैसे ड्रैग करूँगा यहाँ पर हमें नाम पूछेगा, तो नाम हम दे देंगे क्लिप 0, 4 या 3 इस तरह से, और रेस्ट्रिक्ट करना है तो करें, अदरवाइज नहीं करेंगे तो ओके कर दें, और आपकी सब क्लिप यहाँ पर इस तरह से तैयार हो जाएगी। और अगर आप कभी मास्टर क्लिप को यहाँ से डिलीट भी करते हैं, जैसे कि मैं डिलीट कर रहा हूँ, ओके, तो उसके बाद में जो सब क्लिप यहाँ पर हमने यूज ली है, ये सब क्लिप, तो ये इनके ऊपर यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सब क्लिप ये 3 नंबर है, तो इसके ऊपर भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये आपकी क्लिप्स यहाँ पर इसी तरह से रहेगी, उनको डिलीट करने से ये भी डिलीट नहीं होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के बाद में आप इसकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देखें। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी नए वीडियोस में डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत मिलेगा। इसके अलावा आप मेरे वीडियो से कनेक्टेड भी रहेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्त भी सीख पाएंगे वीडियो एडिटिंग विद Adobe Premiere Pro। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।